योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद जनसूचना को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि जनसूचना के तहत जल्द ही निस्तारण किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके पलट है, जिसकी वानगी संभल जिले में देखने को मिली। ताजा मामला रजपुरा के मलिकपुर का है, जहां ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए विकास कार्यों की शिकायतकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से चार बिंदुओं पर मांग की थी, लेकिन 2 महीने तक शिकायतकर्ता को कोई भी सूचना नहीं दी गई और न ही ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सचिव ने अवगत कराया। शिकायतकर्ता ने जब मीडिया से बात करते हुए सचिव एवं वीडियो पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसने सचिव से बात की तो सचिव ने इनकार करते हुए बात को टाल दिया। वहीं वीडियो से बात की तो उन्होंने सचिव से बात करने को टाल दिया। मैंने आरटीआई डाली थी 14 तारीख को, 14-9 को जी प्रधान के थ्रू मैंने आरटीआई की मांग की थी अपनी ग्राम पंचायत के लिए मलिकपुर। उसको 14-9 को मैंने आरटीआई डाली थी प्रथम, और उसके बाद फिर मैंने 19-10 को द्वितीय अपील की थी। उसकी जानकारी मुझे बैजू से मिलने के बाद मैंने एडीओ पंचायत रजपुरा के पास आया। एडीओ पंचायत रजपुरा ने हमारे सर्किल पर जो सचिव हैं राजवी सिंह, उनके लिए ट्रांसफ़र कर दी। राजवी सिंह से मेरी बात हुई थी आज, तो राजवी सिंह ने मुझसे ये कहा था कि ऑनलाइन सिस्टम है और एक वेबसाइट खोलो और उस वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी आईटीआई की सारी। मैंने कहा मैं कि सर लिखित में नहीं दे पाओगे आप, तो उन्होंने मना कर दिया कि लिखित में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस दौरान मैंने उससे 2-4 दिन पहले सचिव से, सॉरी बीडीओ साहब से भी बात की थी। बीडीओ साहब ने राजवी से भी बोला था। इसके थ्रू अच्छा राजवी सिंह आईटीआई देने में बचते हुए नजर आ रहे हैं।